अब चलेगी, हो गई है गाड़ी एक्सचेंज, अब चला रहे हमारे मोनू भाई गाड़ी। अब मैं बैठ गया साइड में क्योंकि मुझे लेने नजारे और मुझे बनानी है अपने व्लॉग के लिए वीडियो। मेन पर्पज तो यही है, रास्ता ये है मंजूला राम झूला और नीलकंठ के लिए, नीलकंठ महादेव के लिए। तो हमें जाना फिलहाल राम झूला, हाँ फिलहाल हमें जाना है ऋषिकेश, तो हम जाते हैं राम झूला की तरफ। अब पहाड़ चढ़ चुके थे, अब पहाड़ उतरेंगे। और भाई देखो आगे धुंध धुंध सी हो रही है, बहुत सुंदर नजारे भाई। वैसे ना मनु भाई गाड़ी से बेटर ये है कि अगर हम बाइक वगैरह से आए ना तो ज्यादा मजा आएगा। ये आगे हमारी गंगा जी और वो हो रही है राफ्टिंग वहां पर, और हमें भी करनी है भाई राफ्टिंग। तो अभी तो हो गए हैं लेट, तो कल करेंगे राफ्टिंग। अभी आप नजारे के मजे लो बस। 10 किलोमीटर भाई साहब, मैं वो मौसम देख रहे हो नजारे, पानी में कितनी मजा नहीं आया। अभी जो दो चार दिन से बारिश पड़ रही है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा क्या बोले, मतलब ठीक ठाक ही हुआ यार, पर आवागमन में कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ रास्ते में कोई ऐसी परेशानी है नहीं, आवागमन में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, प्रशासन अपना पूरा पूरा तरीके से कार्य कर रहा है। पर हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और थोड़ा सा ट्रैफिक है। अब शिवपुरी के लिए जा रहे हैं, बेसिकली अभी एक पत्थर गिरा है। अच्छा, पर हाँ थोड़ा सा पत्थर गिरा होगा शायद। अभी जा रहे हैं हम कैंपिंग के लिए, तो वहाँ पहुंच गए फाइनली ऋषिकेश और शिवपुरी पहुंच रहे हैं। वहीं करेंगे अपनी अभी कैंपिंग। राफ्टिंग तो कल करेंगे ना, अभी करेंगे, अभी करेंगे अपनी कैंपिंग और कैंपिंग के नजारे आपको दिखाते हैं। तो चलो सीधा कैंपिंग में मिलते हैं। देख रहे हो कितना तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। ये हुआ है भाई आपका 2 से 3 दिन पहले, और ये पूरा पहाड़ ही ऊपर से सरका था। पर अभी ये हटा रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक है। अभी इसको क्लियर करेंगे। पेड़ के पेड़ आ गए, वो देखो पेड़ की जड़ें दिख रही होगी आपको सामने, पूरे पेड़ के पेड़ आ गए हैं। और लिटरली बहुत तगड़ी लैंडस्लाइड है। भी चले थे उसकी तरफ, शिवपुरी की तरफ। मौसम हो रहा बहुत प्यारा, पर भाई लिटरली बताऊं तो मैं जाम, ये पिछले हम 1 किलोमीटर से चलकर आए हैं जाम में खुलवाते खुलवाते, और जहां तक नजर जा रही है ना हमारी, ये सारा ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। मतलब इतना बुरे हालात हैं, मतलब आ तो गए हैं हम, पर भाई जाम में बहुत बुरे हालात हैं। अरे देखो अब नज़ारे मस्त, ऊपर देखोगे जरा पहाड़। फाइनली पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनी पे, और हमने लिया एक कॉटेज जिसमें कि हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत शानदार है, रेट भी बताऊंगा और क्या क्या मिल रहा है हमें वो भी बताता हूँ आपको। तो चलो शुरुआत करते हैं आपको दिखाने की। भाई ये है हमारा पूल, इसमें अभी बस चेंज वेंज करके आ रहे हैं नहाने के लिए। ठीक है जी, और दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसे कॉटेजेस हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं है। और ये हमारे पंकज भाई बैठे हैं उधर रिलैक्स करते हुए। नवीन भाई ओके, ओके। ये भाई एंट्री करा रहे हैं। ये भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं है, लंच डिनर हमें मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, और जो हमने लिया है ना वो कुछ ऐसे कॉटेज है। और भाई ये हमारा डीजे, यहाँ अभी हम लोग मस्त नाचेंगे और इन्जॉय करेंगे। और कुछ ऐसे कॉटेजेज हैं, अंदर से भी दिखा देता हूँ मैं आपको। भाई अंदर से कुछ ऐसा है, 3 बंदे रुक सकते हैं, 1, 2 और 3। कूलर, फैन, पूरा एकदम नेचुरल फील, झोपड़ी, और भाई ये वॉशरूम। ठीक है, बाहर डीजे। तो चलो भाई चेक इन करते हैं और मस्त इंजॉय करते हैं फिर। नाचना भाई, अभी आए हैं फिलहाल, थोड़े थक गए थे तो सोचा स्विमिंग कर लेते हैं, क्योंकि देखो पैसा दिया है तो स्विमिंग करने में क्या जाता है भैया। तो भाई दिखाते हैं थोड़ा सा स्विमिंग, हम लोग जा रहे हैं नहाने। तो चलो भाई, तो चलो भाई चलो, कोई बात नहीं, कपड़ों की दिक्कत क्या? अरे बॉडी दिखा रहे हो, ये हमारे भैया, अरे पंकज भाई हमारे, इन मैं भी आ रहा हूँ भाई, 2 मिनट में आ रहा हूँ, अंदर ही आ रहा हूँ। और ये रहे दुबे जी, अबे जा, हमने भी उतार दिए कपड़े, अब चलते हैं स्विमिंग पूल में, फिर नहाने के बाद आपको दिखा दें। चलो फिर खिला के दिन थक
अभी आपको डांस करके भी दिखाते। तो भाई इस व्लॉग को करता हूँ यही खत्म, मिलते हैं कल के व्लॉग में। व्लॉग को पूरा एंजॉय करना, जब तक के लिए सारे भाइयों को राम राम है। और हाँ भाई, चाहे जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। एक और गजब चीज दिखाता हूँ, देखो हमारे कच्चे कहाँ सूख रहे हैं, ये हमारे भाई दूबे भाई सारे चेंज करते हुए। तो भाई मिलते हैं कल के व्लॉग में, जब तक के लिए राम राम है, बाय।